अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जाने पाती किचन और आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल रोल्स। अब हम इसकी स्टफिंग रेडी कर लेंगे। स्टफिंग रेडी करने के लिए हमने एक पैन ले लिया है सबसे पहले, और पैन के अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून अराउंड हमें चाहिए ऑयल। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है और इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे, हमने ले ली है अनियन। अनियन है हमारे पास 2 मीडियम साइज़ की अनियन है, इसको हमने बिल्कुल बारीक चॉपर में डाल के तो चॉप कर लिया है। इसको हम ऐड कर देंगे, हमें इसे कुक नहीं करना, जस्ट हमें इसका मॉइस्चर वेजिटेबल का जो है कम करना है, ख़त्म करना है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा अनियन को पहले स्टर कर लेंगे पैन में डालकर। देखिए हम इसका मॉइस्चर जब बिल्कुल ड्राई कर देंगे वेजिटेबल का, तो हम इसको अपने समोसों को आराम से फ्रीज भी करके रख सकते हैं। जब इसके मॉइस्चर हम इसका बिल्कुल ड्राई कर देंगे तो हम इजीली इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, और जब हमें दिल चाहे हम इसे निकालेंगे और फ्राई करके खा लो रोज़े के टाइम, जिस मर्जी टाइम टी टाइम में आप बनाएं। हमने ले ली है कैप्सिकम है हमारे पास 1/2 कप, और कैबिज हमने बिल्कुल बारीक कट कर ली है 1 कप ले ली है कैबिज, और इसको भी बिल्कुल बारीक चॉप्ड कर लिया। अब इनको तीनों चीज़ों को हम ड्राई कर लेंगे ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, और इसमें ही हम साथ साथ अब थोड़े से इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। मैं इसे पहले अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। गोभी शिमला मिर्च जो हमने ली है इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं सेंटर में। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में है हमारे पास रेड चिली। स्पाइसेस ऐड करने से पहले मैं इसमें स्पेस कर दूंगी थोड़ी सी, और हमारे पास है कैरेट 1 कप, इसको कद्दूकस करके हमने पहले ही रख लिया था, ये मेरे पास फ्रीज हुई हुई है, इसको भी ऐड कर देंगे। बाकी मैंने फ्रेश वेजिटेबल को कट किया। ऐसे ही आप इसको वेजिटेबल को फ्रीज करके रख लिया करें, टाइम आपका सेव हो जाता है। जब हमें इसका कुछ बनाना हो बस हमें इसे फ्रीज से निकालना, और जस्ट फ़ौरन ही हम इससे काम स्टार्ट कर सकते हैं, हमारा टाइम भी नहीं वेस्ट होता ज़्यादा। चलिए अब इस पर हमने स्पेस कर दिया, हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हमारे पास है रेड चिली पाउडर, ये हम ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर हमने ले लिया 1/2 टीस्पून। सॉल्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। चिकन पाउडर है हमारे पास 1 टेबल स्पून। कुटा हुआ ज़ीरा है हमारे पास 1 टीस्पून, और हमने ले लिया है 1/2 टीस्पून हमारे पास है गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, होममेड गरम मसाला हमारे पास पिसा हुआ, ये ऐड कर देंगे। इसको सारा हम वेजिटेबल में ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। हमारे पास चिकन है 1 कप, उसको मैंने बॉईल कर लिया है, बस नमक हमने इसमें ऐड किया था चिकन में, और उसे बॉईल करके श्रेड करके रख लिया है, वो भी हम इसमें ही ऐड कर देंगे। हमें इसमें कोई मसाला नहीं भूनना, कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे ही वेजिटेबल के पानी को ड्राई करना है, और इसमें ऐसे ही हम चिकन ऐड कर देंगे। इतना ज़बरदस्त है, हमारे सिंपल से इजी समोसा या रोल आप जो भी बना सकते हैं बना लें। इतनी ज़बरदस्त से हमारी स्टफिंग इसकी रेडी हो चुकी है, अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अब हमने ले लिया है 1 कप हमारे पास चिकन है, श्रेडेड चिकन, ये ऐड कर देंगे। आप चाहते तो ऐड कर दें, अदरवाइज इसको बिल्कुल भी स्कीप कर सकते हैं, चिकन को ऑप्शनल है क्योंकि ये वेजिटेबल समोसा है, वेजिटेबल रोल्स जो भी आप चाहते बना सकते हैं। और हमने इसके अंदर ऐड कर दी है 4 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं बिल्कुल बारीक कट, ये भी ऐड कर देंगे, और इसको अगेन हम 1 मिनट से 1.5 मिनट और अच्छा सा स्टर कर लेंगे। फ्लेम हमारी हाई है, हमने फ्लेम को स्लो नहीं रखना वरना ये बहुत सॉफ्ट सी हो जाएंगी वेजिटेबल, हमें इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, बस क्रंची सी है हमारी वेजिटेबल, ड्राई करनी है बस हमें। आप इसकी स्टफिंग वैसे ही बनाकर फ्रीज़र में भी फ्रीज कर सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए, और
इससे आप रोल या समोसा जो भी बनाना चाहते हैं इजीली बना सकते हैं। और अगर हम इसकी स्टफिंग को समोसे रोल में बना कर रख देंगे तो वो तो हमारे 10-15 दिन आराम से इजीली निकल जाएंगे। वेजिटेबल समोसे जब हम फ्रीज कर देते हैं तो ये पानी नहीं छोड़ता फिर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, हमारे पास है सोया सॉस, अराउंड 3 टेबलस्पून में इसमें सोया सॉस ऐड कर दूंगी। 3 टेबलस्पून ही हमने इसमें हॉट सॉस ऐड कर देना और इसको अगेन मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया, उससे बड़े मज़े का इसका टेस्ट आएगा। थोड़ा सा हम इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर हमने ले लिया है 1/2 टीस्पून। अगर आप स्पाइसेस कम रखना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं, क्वांटिटी स्पाइसेस की थोड़ी कम या ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, हमारी वेजिटेबल रेडी। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। है 2 कप है हमारे पास मैदा, इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 1/2 टीस्पून हम ले लेंगे अजवाइन, ये ऐड कर देंगे हम, और घी ऐड कर देंगे, मेल्टेड घी है हमारे पास। 5 टेबलस्पून हम इसमें घी ऐड कर देंगे। टेबलस्पून और अब हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर देंगे और इसको गूंद लेंगे आटे को। उससे पहले हम चेक कर लेंगे जो हमने घी ऐड किया है कम है या ज़्यादा। बिल्कुल परफेक्ट ऐड करने के लिए हम ऐसे चेक करेंगे, ऐसे मुट्ठी में हम आटे को बंद करके, ये देखें इस तरह जुड़ जाएगा, तो मींस ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारा घी इसमें। और अब हम इसमें नीम गर्म पानी से आटे को गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। हमने डो को ना ज़्यादा हार्ड रखना है ना ज़्यादा सॉफ्ट, नॉर्मल होनी चाहिए हमारी डो ताकि हमारे समोसे अच्छे से रेडी हो जाए। आटे को गूंदकर तो हम इसको 15-20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि अच्छा सा हमारा आटा रेडी हो जाए। इतना अच्छा सा हमारा सॉफ्ट सा आटा गूंद चुका है, ये देखिए हमारा आटा गूंद चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा हमने गूंद लिया है। और अब इसे हम 15-20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि देखिए हमने अपनी स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है और हमने आटे को 10 मिनट रेस्ट दिया था। ये भी अच्छा सा हमारा मैदा तो हमने गूंदा था रेडी हो गया। अब हम काउंटर पर थोड़ा सा मैदे को छोटा वो बना लेंगे और इसको एक पेड़े को लेकर तो इसको हम बेल रोटी बना लें, इसको लेंथ वाइज हम इसे बेलेंगे। क्यों रोल बनाने के लिए बेलना और किस लिए? ये देखिए हम इसको थोड़ा सा लेंथ वाइज इसको अब हम इसमें स्टफिंग लेंगे और इधर स्टफिंग डाल देंगे। अगर आपको रोल्स ज़्यादा थोड़े बड़े साइज़ के बनाने हैं तो आप थोड़ा बड़ा आटे का पेड़ा ले सकते हैं और बना। देखिए हमने पानी ले लिया और इसको साइडों पर हम इसको पानी को लगा देंगे उठाकर, ऐसे हम प्रेस कर देंगे इसको। हमने ऐसे प्रेस कर देना है पहले ताकि हमारी जो ये स्टफिंग है बाहर ना आए। थोड़े से हम इसमें कट्स लगा देंगे
इधर हम बिल्कुल हमें लास्ट तक कट नहीं करना, बस हमें थोड़ा थोड़ा सा दूर ही रखना है। अब हम इसे यहाँ से टर्न कर देंगे, इधर से भी टर्न कर देंगे और अगेन हम इस पर थोड़ा थोड़ा सा वाटर लगा लेंगे ताकि हम जब रोल करें तो अच्छा सा जॉइंट हो जाए। अब इसे अगेन हम ऐसे रोल कर लेंगे। ये देखिए इतना प्यारा सा जो हमने इस पर कट्स लगाए ये ऊपर आ गए। अब हम अपने बाकी भी रोल ऐसे ही रेडी कर लेंगे। दूसरा हम ऐसे ही पेड़ा लेंगे और इसे बड़ा कर लेंगे। ऐसे ही बड़ा कर लेंगे। इसको आप बना के फ्रीज भी करने के लिए रख सकते हैं। 10 से 15 मिनट दिन इजीली हम इसको फ्रीज कर सकते हैं। फिर हम इसमें स्टफिंग इस तरह अगेन डालेंगे। पानी ऐसे ही लगा लेंगे हम। इसे यहाँ से उठाएंगे और ऐसे टर्न करके तो प्रेस कर देंगे। इस पर ऐसे ही कट्स लगाएंगे। कट्स देखें हमें ना यहाँ लास्ट तक लगाने हैं ना यहाँ लास्ट तक, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हमें जहाँ से करना है वो भी हमें थोड़ा दूर से ही करना है और जहाँ हमें इसको इनफ करना कट को वो भी थोड़ा दूर ही हो, ज़्यादा क्लोज नहीं करना हमने। अब हम इसको फिर टर्न कर देंगे दोनों साइडों से। इस पर पानी लगाएंगे हम। ये देखें इतना इजीली हम इसे बना लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें ऐसे फोल्ड करते जाएं और ये इतना प्यारा सा हमारा रोल रेडी है। हमने ऑयल को प्री हीट करने रख दिया, अब हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना ऑयल, बस इतना होना चाहिए कि हम इसमें बस रोल को ऐड करें और ये कुक होना स्टार्ट हो जाए, ज़्यादा हमने हाई नहीं करना। अब हम सारे ऐसे ही बनाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे। देखिए हमने इसको एक मिनट के बाद, एक से डेढ़ मिनट बाद टर्न करना है ताकि इसकी अदर साइड भी कुक हो जाए, पर इतना हमने इसका फ्लेम नहीं रखना कि ये गोल्डन हो जाए। पहले हम इसकी अदर साइड को कुक करेंगे, इसके बाद थोड़े से फ्लेम को हाई करेंगे ताकि कुक हमारा ये जो रोल्स हैं अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए। सारे रोल्स को हम टर्न कर देंगे ताकि अदर साइड इसकी अच्छे से कुक होना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए हमारे रोल्स अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। जो जो गोल्डन हो चुके हैं हम उसको निकाल देंगे एक स्ट्रेनर में और बाकी को हम अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। टर्न करते जाएंगे हम साथ साथ ताकि इवन कलर आए। देखिए सारे हमारे रेडी हो चुके हैं रोल, अब हम इसे निकाल देंगे और इसके बाद हम डिश आउट कर लेंगे इन्हें। फ्रेंड्स हमारे वेजिटेबल रोल्स रेडी टू ईट हैं। आप इसे बनाएं, इफ्तारी के टाइम इंजॉय करें, टी टाइम में बनाएं, गेस्ट के लिए बनाएं, इंजॉय करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, केचप के साथ चटनी के साथ सर्व करें। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर देखने को मिले। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेफ के चैनल। अल्लाह हाफिज़।